चिप इज़ाई टाउन की जानब से आज इस मकाम पर, बल्कि खूबसूरत मकाम पर, एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फेरी होम सखर की जो ननिया परियाँ थी उनको दावत पर मदऊ किया गया और उनके एहसास में एक पुरतकल्लफ अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। और ये सारा क्रेडिट, सारी खुशनुदी खुदावंदी के हुसूल के लिए जो सारे अरेंजमेंट्स किए, ये पिज़्ज़ा ईट ऑन सखर की चैन के जो ऑनर है हमजा सिद्दीकी, उन्होंने ये कार्य खैर अंजाम दिया है। क्या कुछ किया है और ये सारा अंजाम क्यों दिया, ये जानते हैं हमजा की ज़बानी। हमजा, क्या वजह बनी कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं? माशाल्लाह जवाद भाई, ये एक इदारा है फेरी होम, जहाँ नन्नी मुन्नी परियाँ तकरीबन 80 से 85 बच्चियाँ तामीर रह रहे हैं, तो उनके लिए हमने आज पिज़्ज़ा ईट ऑन पे डिनर विद अफ्तार का अहतमाम किया था और उनके लिए तोहफे तायफ का भी अहतमाम किया था, जिसमें सूट, स्कार्फ वगैरह, छोटे मोटे आइटम उनके लिए हमने रखे थे। तो हमारा ये मकसद था, आज का दिन हमने फैमिली के लिए बिल्कुल बंद रखा है अपना रेस्टोरेंट को, सिर्फ इनके नाम किया। हमारा मकसद ये था इनको फेरियों को यहाँ लाना, हमारे होटल की रौनक को बहाल करना। तो माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग भी, हम लोग भी इवेंट के, हमारे बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मुकर्रर अज़ाज़ से ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी इनके लिए जो कुछ हो सकता है बड़ा करें। बिल्कुल, एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है जिसमें जो पिज़्ज़ा ईट ऑन के ऑनर हैं, ना सिर्फ उन्होंने ख़ुद शिरकत की है बल्कि जो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत करके बच्चों के साथ इफ्तारी की है। मतलब के एक ही सफ़ में बैठ गए महमूद अयास, ना बंदा रहा ना बंदे की ज़ात, कोई भी फ़र्क जो है यहाँ पर देखा नहीं गया, कौन मालिक है, कौन मेहमान है, कौन मेज़बान है, एक अपनाइत का माहौल नज़र आया। प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म हो चुका है, बच्चों को मुख्तलिफ़ तहफ़ देकर जो है वो इस वक्त रवाना किया जा रहा है। फेरी होम की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरपर्सन में मैडम फरजाना खोसो, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, आपके यहाँ भी हमने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, अफ्तारियाँ अटेंड की हैं, वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं होती। आज की इस अफ्तारी के बारे में बताइएगा, कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज़ तो बच्चों के होते रहते हैं, आउटडोर अगर बच्चे बाहर जाएँ और वहाँ एक एक्टिविटी हो तो बच्चे और ज़्यादा खुश होते हैं। आज बच्चे पूरे रमज़ान में पहली मर्तबा बाहर आए और उनको तहफ ईद के तहफ भी मिले हैं और इफ्तारी भी किया है और झूले आपने देखा है, झूलों पे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश हुए हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ हमजा भाई का कि उन्होंने एक बहुत मशहूर ना हो ये बताएं, हमजा भाई को कब बुला रही है अपनी फेरी होम? मैं तो हमजा भाई को कहूँगी कि कल ही आ जाएँ, जब भी उसका दिल करे वो फेरी होम आएँ, और रमज़ान के अलावा वो जिस दिनों में भी हमें याद करें वो फेरी होम ज़रूर आएँ, सिर्फ रमज़ान में याद नहीं करें, सब दिनों में बच्चों को हमेशा याद करें। बिल्कुल, ये है हमारे सखर की मोहब्बत, ये है हमारे सखर की अकीदत कि सब के सब एक ही पेशवर हैं, कोई भी यहाँ पर मेज़बान नहीं, कोई भी यहाँ पर मेहमान नहीं है। आज जो यहाँ पर मेहमान बने हैं, कल वो मेज़बानी के फ़रज़ अंजाम देने के लिए मैडम फरजाना खोसा ने बात की है। तो प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म हो चुका है, बच्चे रवाना हो चुके हैं, बच्चों के एजाज़ में एक पुरतकल्लफ़ डिनर का भी अहतमाम किया गया, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को तहफ दिए गए बल्कि अच्छा ज़बरदस्त खाना, बिरयानी, पिज़्ज़ा और दीगर चीज़ें से जो है वो उनको सर्व किया गया। बच्चों के चेहरों पे वाकई खुशी नज़र आई, बच्चों ने यहाँ पर आकर खूब इंजॉय किया, जो यहाँ पर झूले लगे हुए थे उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए और बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वो वाज़ह झलकती हुई नज़र आ रही थी। पिज़्ज़ा ईट ऑन के जो मालिक हैं हमजा सिद्दीकी, उनकी जानिब से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमजा का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स इन बच्चों के एजाज़ में शहर की जो दीगर मुख़य्यर शख्सियात हैं वो भी अरेंज करें ताकि इन चेहरों पर खुशियाँ लाई जा सकें और इनमें जो एहसास महरूमी है उसका खात्मा किया जा सके। जी।